एक बड़ा पेचीदा विषय जिस पर कई प्रकार से वाद विवाद आज छिड़ गए हैं। हो सकता है वो उनका दृष्टिकोण राजनीतिक हो, किसी प्रकार की जातिवादी की बात हो, चलिए उन बातों पे नहीं जाना, किंतु मुख्य विषय है क्या रावण दहन होना चाहिए। समाज में एक वर्ग है जो कहते हैं नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनका लॉजिक यह है कि रावण ब्राह्मण थे और इस ब्राह्मण को नहीं जलाया जाना चाहिए। मेरा मानना है, आप भी इस पर स्वयं विचार करें, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें हमेशा नमस्कार है, प्रणाम है, सभी वर्ण के लोग उन्हें सम्मान देते हैं, सम्मान योग हैं भी। ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व, इन बात पे हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कोई ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हुआ है, किंतु उसके अंदर में कोई विद्वता नहीं है, ब्राह्मणत्व नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है और ना ही उन्हें कोई वेद शास्त्र का ज्ञान है। तो ब्राह्मण कुल में होने के उपरांत भी वो उस योग्य नहीं है। दूसरा पक्ष जो ब्राह्मण कुल में जन्म ना भी लिए हो, किंतु उनके अंदर में ब्राह्मणत्व है, वह शास्त्रों का वेदों का ज्ञाता है, वो मर्यादित जीवन जीता है, जो एक ब्राह्मण की परिभाषा है उस प्रकार से उसकी जीवनचर्या है, तो वह भी एक संत हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, होना भी चाहिए। आता हूं कि ब्राह्मण को जलाया जाना चाहिए कि नहीं, क्षमा चाहूंगा, रावण को। बात होती है रावण को जलाया जाना, यहां पर एक सांकेतिक है, रावण तो आज है नहीं, भगवान ने उनका वध किया, बातें समाप्त हो गई। एक प्रतीक के रूप में असत्य पर सत्य की विजय, असत्य झूठा अत्याचारी वही प्रकांड विद्वान रावण थे। श्री राम सत्य के प्रतीक हैं, दशानन जो भी हमारी वृत्तियां हमारे शरीर हमारे साथ में है, जो सद्दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वगैरह, इसकी आहुति देना, इसका वध करना, एक ये तात्पर्य है सांकेतिक रूप में। इसलिए और राम कौन है? हमारे अंदर जो शुद्ध आत्मा है, तो ये राम का वास है, तो ये अवध है, तो अवध के श्री राम इन आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं विजयादशमी के दिन उस रावण का। मैं बोलना चाहूं जो पक्षधर है रावण के, क्या आप अपने संतान का नाम रावण रखेंगे? कदापि नहीं। यदि आप में है तो आप अपने संतान का नाम रावण रखें, कभी नहीं रखेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि श्री राम की मर्यादा कम हो जाए रावण से तुलना करने में। मैं बार बार बोल रहा हूं, रावण का एक अपना सम्मानित स्थान है, उनकी विद्वता, उनकी शिव भक्ति अतुलनीय है। रावण संगीता को मैं भी फॉलो करता हूं ज्योतिषी होने के नाते, तो उन्हें एक उस दृष्टिकोण से अवश्य प्रणाम। और ब्राह्मणों के साथ साथ उनमें आसुरी शक्ति, आसुरी प्रवृत्ति थी, ये सभी लोग जानते हैं। तो उस आसुरी प्रवृत्ति को जलाया जाता है रावण के नाम पर, न कि उस विद्वान ब्राह्मण को। इसीलिए जलाना नहीं जलाना यह बहुत बड़ा विषय नहीं है, पर विचार और तर्क की बात है कि रावण को हम कैसे लेते हैं, रावण दहन को किस दृष्टिकोण से लेते हैं, और राम और रावण की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है, दोनों में कोई अर्थ ही नहीं है। श्री राम तो श्री राम है, और रावण की विस्वयं की इच्छा थी कि मेरा अंत भगवान के हाथ से हो। उतने प्रकांड विद्वान, उन्हें जानकारी थी कि श्री राम के हाथ से वध होना है और मेरा उद्धार हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम।